नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 143 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 1.78% का फ्राइडे को इसने डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप की बात करें तो 25,812 करोड़ की मार्केट कैप है, 25,812 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो है 61.80, फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है, बहुत ज्यादा नहीं देता, थोड़ा बहुत देता है बट देता है। बुक वैल्यू इसकी 10.9 है, ठीक है। तो ये स्टॉक बेसिकली जो इसका सेगमेंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। सो बेसिकली रियल एस्टेट में है। एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट हैं आपको पता होगा कि इसने बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट ग्रैब किया है। पहले इसके पास 1,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट बुक थी, ऑर्डर बुक थी, एंड अभी 10,000 करोड़ का इसने एक अमरावली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, तो उसने उसको अप्रूवल मिल गया है एंड हुडको के साथ इसने 2 MOUs भी साइन किए हैं। सो अभी मोटा मोटा देखिए फंडामेंटल्स, तो ये 50 to 100 में से ऊपर ट्रेड करा जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, अभी करेक्ट भी हो गई है तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे तरीके से एक जगह पे है, थोड़ा छोटा सा मतलब गड़बड़ है बट उसकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न है, ये है क्वार्टर 1, ये है क्वार्टर 1, ये है क्वार्टर 1 एंड ये है क्वार्टर 1। सो बेसिकली क्वार्टर 1 का थोड़ा कम रहता है, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, क्वार्टर 1 का कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो यहाँ पे भी यही है। बट आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्वार्टर 1 का काफी कम था, यहाँ थोड़ा ज्यादा हुआ, यहाँ उससे ज्यादा हुआ, यहाँ उससे ज्यादा हुआ, तो ये पैटर्न एक मुझे लग रहा चल रहा है। एंड क्वार्टर 4 का रिजल्ट, वैसे भी क्वार्टर 4 का बड़ा अच्छा आने वाला है, 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बहुत बड़ी बात होती है। सो ये है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ये स्टॉक। अभी चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट में बात करें तो देखिए, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने एंट्री के पॉइंट पे ये बात करी थी कि जब तक इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री में कभी भी नहीं बनाती। अभी एंट्री की बात करने से पहले चलेंगे हम इसके बीएससी पे। बीएससी पे देखिए, एक अच्छी बात है कि कोई सर्विलांस में नहीं है, और एक बुरी बात है कि इसका सर्किट अभी भी 5% का है। सो बेसिकली ये स्टॉक आप देखेंगे तो ये कितना परसेंट भाग चुका था यहां से देखिए आप, तो ये काफी ज्यादा सारा भाग चुका है। एंड यहां पे देखेंगे तो लगभग लगभग 100% के आसपास भाग चुका है, तो उसके बाद करेक्शन बनती हुई है, ठीक है। तो 5% का इसका प्राइस बैंड है, उतना भागने की वजह से तो इसका बैंड भी चेंज हो गया। अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है, ये बस वही है पुरानी न्यूज की इसने हुडको के साथ MOU साइन किया एंड ऑल, तो बेसिकली कोई ऐसी न्यूज नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरह का फर्क डालेगी, ठीक है। तो देखिए, इसने कोशिश तो करी उठने की बट एंड ये अपनी रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर भी गया, बट ये यहाँ पे सेलर्स का दबाव आ गया। एंड थोड़ा सा आपको पता है कि मार्केट में भी पिछले कुछ 3 दिनों, पिछले वीक में 3-4 दिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही मार्केट में, तो वो भी एक रीजन है कि वो थोड़ी बहुत करेक्शन सारे स्टॉक्स में हुई है एंड सब पे उसका असर देखा गया है, तो वो भी एक रीजन मैं मान सकती हूँ। यहाँ पे थर्सडे को वॉल्यूम की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, एंड जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया है वो आया है लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, तो वॉल्यूम भी ना काफी ज्यादा इसमें डाउनफॉल देखा गया है, मतलब 50% के आसपास का डाउनफॉल देखा गया है। तो ये भी थोड़ी एक बात है कि मैं यहाँ पे अगेन शॉर्ट टर्म की एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा, एंड इस रेजिस्टेंस का है मतलब 146 को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मतलब क्रॉस करके सस्टेन करने की बात करूं, ये नहीं कि क्रॉस कर गया ओके एंट्री बना लो, क्रॉस करके सस्टेन करने की बात कर रही हूं, तो एक कंफर्मेशन कैंडल मिले उसके बाद शॉर्ट टर्म की मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगी। बट लॉन्ग टर्म की बात करूं तो देखिए, इसके पास काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं, काफी तगड़ी इसकी ऑर्डर बुक है, हुडको के साथ इसके MOU साइन हुए हैं, एंड मुझे लगता है फ्यूचर इसका काफी अच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे एंट्री जरूर बना लेती, क्योंकि आप एक चीज अगर नोटिस करेंगे तो ये RSI जो है ना, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही है, तो इसमें ना अब मैं डिटेल में डाइवर्जेंस के बारे में बात करूंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हमारे अभी कोर्सेज भी आने वाले हैं तो उसमें हम इंडिकेटर्स एंड हिडन जो साइन होते हैं जो जिसकी वजह से हमें बड़ी सारी चीजें होती है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड RSI नीचे जा रही है, तो वो हिडन साइन है कि बस एक बार खरीद लो, मतलब जस्ट मेक एन एंट्री, तो वो भी बड़ी सारी चीजें हैं। डाइवर्जन एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा उसका हिंट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये भी मेरा एक रीजन है कि मैं यहाँ पे एंट्री बना लेती। तो बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब हम यहाँ पे हम
आपने अगर आप हमें सब्सक्राइब किया हुआ, आप हमें फॉलो करते तो आपको पता होगा कि यहाँ हमें तीन चार चीजों को लेकर मेन मेन जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि अगर वो भी बेसिकली मैं जब आपको एनालिसिस करके बताती हूँ तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के वो सारी चीजें आपको एनालिसिस बताई होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं भी सही बैठती है, कई बार ऐसा होता है कि एनालिसिस बिल्कुल सही बैठ जाती है, क्योंकि देखिए मार्केट तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। बहुत सारे मैं पहले ही इंडिकेटर्स होते हैं वो रन करती हूँ बहुत सारी एनालिसिस, तो एक वीडियो को बनाने में ये नहीं होता कि 5 मिनट की वीडियो तो 5 मिनट लगे, उसमें 15-15, 20-20 मिनट आराम से लग जाते हैं एनालिसिस करने में। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस पे वीडियो बना दीजिए, उस पे वीडियो बना दीजिए, तो कई बार थोड़ा सा टाइम क्रंच भी हो जाता है। एंड कल जैसे कि मेरी तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6-7 स्टॉक्स की वीडियो डाल पाई, तो वो भी एक रीजन होता है। तो अगर आप बोलते हैं कि एनालिसिस कर दीजिए इस स्टॉक की, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दिया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये भी मैसेज मैं कन्वे करना चाहती थी। एक एंड दूसरी बात है, बैक टू द टॉपिक, डाइवर्जन की बात करूं तो काफी लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, उसको डिटेल में समझाएंगे आपको। बट तब तक के लिए मैं आपको इतना बोलती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हिडन साइन है कि स्टॉक हो सकता है कि ऊपर अप मूव दे काफी अच्छा, एंड वैसे भी अच्छा खासा इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स काफी स्ट्रांग है, तो हो सकता है अच्छा खासा मूव दे, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर एंट्री बनाती हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी मुझे एक कैंडल चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। बाकी बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।